अब खबर राजस्थान से है, जहां नवनिर्वाचित अशोक गहलोत सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या है प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का और कितने बजे ये शपथ ग्रहण आयोजित किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 11:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह जो है वो राजभवन में आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर में वो तमाम मंत्रियों को रात को ही बता दिया गया था फोन के द्वारा कि वे आपको कल सुबह जयपुर पहुंचना है। इसमें तैयारियां पूरी कर ली गई है राजभवन की तरफ से। सरकार जो गठन हो रही है उनमें जितने में जातिगत समीकरण उनका पूरा ध्यान रखा गया है, सभी जातियों को खुश करने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 नए चेहरे होंगे इस मंत्रिमंडल के अंदर में। पुराने चेहरों को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया गया है, हो सकता है कि उन्हें वो लोक विधानसभा के अंदर में कुछ और जिम्मेदारियां दी जाए और कुछ लोगों को लोकसभा का टिकट दिया जाए। मनोज, इसमें आपने बताया 18 नए चेहरे होंगे, वहीं एक राष्ट्रीय लोक दल का भी एक चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है? बिल्कुल, एक राष्ट्रीय जो है सुभाष गर्ग को शामिल किया गया है, क्योंकि इन्होंने समर्थन दिया है सरकार को, कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे जातिगत समीकरण के हिसाब से और अपनी सभी पार्टियों को खुश करने के हिसाब से बिल्कुल एक ऐसा समीकरण बिठाया गया कि ना तो किसी से बैर होगा, ना किसी से गुस्सा होगा, ना कोई उसमें खुश होगा, सारा समीकरण साफ बिठाया गया है। जैसे कि मुस्लिम अगर उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो मुस्लिम उम्मीदवार में सिर्फ एक जैसलमेर से सालेह मोहम्मद जी को टिकट दिया गया है। तो कहने मतलब यह है कि भाई अपना सारा समीकरण देखते हुए लोकसभा चुनाव का समीकरण बिठाया गया है दोनों नेताओं की। चलिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। तो मनोज, राजभवन में इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां किस प्रकार की गई हैं और कितने कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो मंत्रिमंडल के अशोक गहलोत है और जो मुकुल वासनिक वगैरह हैं, जो राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे हैं, उनका आना लगभग तय है। और कोई बड़ा नेता तो राष्ट्रीय स्तर के नहीं आएंगे। जो राजस्थान से संबंधित नेता थे जिन्होंने चुनाव के अंदर में जीत हासिल की है, उन सभी तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है, परिवार के लोगों को आमंत्रित किया गया है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और क्योंकि ज्यादा राजभवन का अगर स्पेस देखा जाए तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो वहां गिनती के लोगों को एंट्री दी जाएगी, परिवार के लोगों के साथ साथ कुछ एक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है जो उन नेताओं के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल राजभवन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है, अब 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये अहम जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान में अब अशोक गहलोत की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज 11:30 बजे शपथ ग्रहण का समारोह होगा, राजभवन में होगा। तमाम बड़े चेहरे और साथ ही 18 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में स्थान मिला है।